तो देख सकते हैं अभी ये जो वैगनर गाड़ी का हमने जो टप निकाला है, तो इस तरह से आप इसमें जो हमारा जो शैम्पू है उसको अप्लाई करके देख सकते हैं कंडीशन काला है। इसमें बाद में अपन दिखाएंगे उसमें अभी कितना काला है और धोने के बाद में कितना सफ़ेद होगा। हाँ। उसके बाद में अपन जो इसमें शैम्पू अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें इस तरह से ब्रश से इसको घिस लेंगे, फिर बाद में अपन जो हाई प्रेशर अपना जो वॉशर है टर्बो नोजल का इस्तेमाल अपन करेंगे। तो अभी अपन इस पर अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमने इस पर अप्लाई किया है, तो इसके बाद में इसको इस तरह से अपन देखेंगे। तो आप इस तरह से भी इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा होने के बाद अपन और एक वीडियो बनाएंगे कि फाइनली अभी उसको अंदर से उन्होंने घस के लिया है। तो आप याद रखना, कभी भी आपको जो भी ब्रश मारना है तो यही साइड में मारना है, इस तरफ नहीं मारना है, इस तरफ पानी भी नहीं मारना है और ब्रश भी नहीं मारना है। ये जो एरिया है वो एकदम पतला रहता है, ये साइड वाला जो एरिया, जो अंदर वाला एरिया रहता है वो उसी साइड में आपको ब्रश करना है। तो आप कोई कस्टमर बोलेगा तो नहीं, तो ये जो टब है ना, ये टब की पूरी वाट लग जाएगी। आप इधर से धोएंगे ना तो टब की पूरी वाट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये देखिए भीगने के बाद एकदम ऐसा देख सकते इस तरह से हो जाएगा। ये जो है पूरा अंदर से जो इसका जो जो आकार है वो पूरा डैमेज होने की शक्यता इसमें ज़्यादा है, तो इस साइड से मत धोइए। तो देखिए आपने अभी इस साइड से ब्रश मारा है भाई ने, तो मैं थोड़ा खाना खाने के लिए चला गया था तो इस तरह से ब्रश मारा है। तो अभी अपन इसमें जो टर्बो नोजल का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और उसी के साथ में अपन एक्सटेंशन रॉड का इस्तेमाल करेंगे, जो अपने आंख पे जो गंदगी और जो धूल है वो ना उड़े, इसकी वजह से हमने एक्सटेंशन रॉड का इस्तेमाल इसमें भी कर रहे हैं। हमने और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एसटीपी पंप में जो हमारा जो नोजल रहता है वो ज़्यादा डिग्री कवर नहीं करता था, उतना प्रेशर नहीं बना पाता, इस वजह से हम लोग अभी इसमें 40 डिग्री का अभी इसमें नोजल लगा रहे हैं। ये जो है एरिया ज़्यादा कवर करेगा ये।
तो देख सकते हैं इस तरह से आप अपने जो मशीन का है वो मल्टी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टी यूज अपने कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से निकला है, एकदम साफ सुथरा भी हो गया है। तो अभी इसको सुखाएंगे तो इसके बाद में भाई गाड़ी में लगाएगी इसमें। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो पीछे है आपको गीला कपड़ा मारिए, ऐसा उधर से मत धोइए, नहीं तो इसका जो ये है जो उसका आकार है वो बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय महाराष्ट्र।